हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। और गाइस, उम्मीद करेंगे आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस, बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस इंट्राडे सीरीज की वीडियोस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे शेयर करते हैं डेली दो इंट्राडे स्टॉक्स जो कि हो सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए खास। तो गाइस, आज भी ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल यूडी ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे ज़रूर दबा दें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई नई अपडेटेड वीडियो लेके आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, कल की वीडियो हमारी मिस हो गई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब से जो है वो वीडियो मिस ना हो, और अगर मिस हो तो पहले आपको बता दिया जाए टेलीग्राम पे, और वहां पे हमने स्टॉक्स भी सजेस्ट कर दिए थे। साथ ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइजेस थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो भी हमने वहां पे जो है वो शेयर कर दिए थे। कई लोगों ने अच्छी प्रॉफिट बुक की स्क्रीनशॉट भी देखने को मिली, बड़ा ही अच्छा लगा। जब कोई प्रॉफिट लेता है हमारी वजह से तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही आगे प्रॉफिट लेते रहे। उन लोगों को भी बताना चाहूंगा जो लोग लॉस के साथ अभी चल रहे हैं, डेफिनेटली आपका लॉस जो है वो रिकवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और हमेशा यूडी ट्रेंड जो है वो आपके साथ है। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स व्यू को कि आज क्या ट्रेंड रहा, उसके बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो 1.24% यहां पे हमें तेजी देखने को मिली। 15,108 रुपए यहां पे क्लोज होते हुए नजर आया है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 1.38%। यहां पे एफएमसीजी एंड फार्मा जो है वो डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं। बाकी देखा जाए तो आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सब यहाँ पे जो हैं वो पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए हैं। गाइस, फार्मा सेक्टर जो है वो वापस एक यू टर्न देगा और बहुत अच्छी तेजी के साथ वापस आएगा, तो इस पे अपनी निगाहें जो है वो गड़ाए रखिएगा। चलिए गाइस, बढ़ेंगे सीधे पहले स्टॉक की और देखेंगे कौन सा है पहले नंबर का स्टॉक जो कि हो सकता है कल के लिए खास। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले नंबर का स्टॉक हमने यहाँ पे लिया है वोल्टास। और जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ड्राइंग की हुई है और कई लोग इसको समझ पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम एसेंडिंग ट्राइंगल, और जब ऐसे पैटर्न बनते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिलती है। आज मैंने टेलीग्राम पे कुछ एसेंडिंग ट्राइंगल के एग्जाम्पल भेजे थे और उसके बाद बहुत अच्छी तेजी जो है वो हमको देखने को मिली। अगर आपने नोट किया हो तो बाटा इंडिया हमने शेयर था आपको 12 बजे कुछ शेयर किया था, जहां पे सेम एसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात हुई थी, कहा गया था कि एडवांस इट्स ब्रेकआउट। गाइस, ये कुछ 1150 के आसपास हाई बनाते हुए हमें नजर आया है, तो ऐसे ही जो है वो आप फोकस कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाल पतलेप का हमारा इंट्राडे कॉल था जिसमें भी सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिला था, उसके बेसिस पे हमने कॉल दिया था और बहुत अच्छी प्रॉफिट जो है वो हमने यहां पे देखने को मिली। तो एज यूजुअल वोल्टास में भी हम फोकस कर सकते हैं, बट वी हैव टू वेट फॉर दिस ब्रेकआउट लेवल जो आपको यहां पे ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है ब्लू कलर की लाइन। रेसिस्टेंट लेवल की मैं बात करूं गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं 1027 यहां से यू टर्न ले सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है आपको कल लाइव मार्केट में, उसके बेसिस पे ही काम करें। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तभी आप इसको कंसिडर करिएगा, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट कर दिया जाए टेलीग्राम पे कि आगे करना क्या है। अगर आप इसे डिलीवरी में होल्ड कर रहे हैं तो 944 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो कोई ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं, पैरेलल चल रहा है। एक स्ट्रांग ब्रेकआउट विथ हार्ड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एक्यूरेट समय वो होगा जब वहां पे आप एंटर करो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस टाइप की वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे और विद द ब्रेकआउट, तो उस टाइम पे आप एंटर जो है वो वोल्टास में कर सकते हो। गाइस, बिना स्टडी किए, बिना सोचे समझे अगर बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो हमें लॉस भी हो सकता है, क्योंकि स्टडी करने के बाद भी कई बार हमें लॉस देखना पड़ सकता है, तो क्यों ना आप स्टडी करके ही काम करें। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे इंडिकेटर व्यू की नजर से, स्टॉक जो है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है। एमएसडी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें सही साइन दे रहे हैं आगे बढ़ने के, और स्टॉक में जो है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है आने वाले दिनों के लिए। तो गाइस, कल के लिए आप अपनी वॉच लिस्ट में वोल्टास को जरूर ऐड कर दें। आज का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, एक्चुअली देखा जाए तो 17 और 18 दो दिन का परफॉर्मेंस हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, और इसको आप बोल सकते हो एक साइडवेज मार्केट के बाद आपको एक जो है एक ट्रेंड दिखा है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट डे के इंट्राडे सेटअप के लिए। चलिए गाइस, देख लेते हैं इसके इंट्राडे सेटअप को, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से गैप में किस स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ कल हम इसमें काम कर पाएंगे। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं, 19 मई यानी कि कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स में सबसे पहले हमने आपके सामने रखा है वोल्टास, जिसका करंट मार्केट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 1009। यहां पे 11 पॉइंट का हमने टारगेट डिसाइड किया है, सिमिलरली 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां पे रखा गया है। इंट्राडे के लिए चर्चा हो रही है, और अगर बात करें हम अवॉइड इफ की तो गैप अप नियर टारगेट यानी कि अगर स्टॉक खुलता है सीधा 1020 के ऊपर तो हमें वेट करने की जरूरत है टिल द टाइम फ्रेम ऑफ 1030। उसके बाद एक नई अपॉर्चुनिटी हमें यहां पे मिल सकती है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें लाइव मार्केट में, टेलीग्राम पे बने रहिएगा, वहां पे हम जो है वो अपडेट्स देते रहते हैं। गाइस, इस नोट को एक बार रीड जरूर कर ले, और यहां पे क्लियर होता है वोल्टास का एक्सप्लेनेशन। सीधे बढ़ेंगे दूसरे स्टॉक की ओर और देखेंगे कौन सा है सेकंड नंबर का स्टॉक
जो कि हो सकता है कल के लिए खास। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर का स्टॉक हमने लिया है विप्रो, जिसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है। अगर जैसा कि आप देख सकते हैं 17th को इतना हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें विप्रो में देखने को मिली है, और एक हल्के से डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे वापस जो है वो स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 and 3 रेसिस्टेंस हमने ड्रॉ की हैं, 514, 520 एंड 528। हो सकता है ये एक दिन में ही सारे रेसिस्टेंस तोड़ दे, क्योंकि विप्रो में जब तेज़ी हमें देखने को मिलती है तो बहुत ही खास सीन जो है वो हमें देखने को मिलता है। करंट क्लोजिंग प्राइस की मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पे 507 है, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म या फिर डिलीवरी में होल्ड करके बैठे हैं तो आप 493 का फर्स्ट SL यूज़ कर सकते हैं अगर आप कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना चाहें, क्योंकि यहाँ से हो सकता है स्टॉक तेज़ी से नीचे भी आए। हमें मेक श्योर करना है कल के इंट्राडे सेटअप के लिए कि अगर ये फर्स्ट रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट करता है तभी हम इसको कंसिडर करेंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए, लेकिन आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर दें। गाइज अगर बात करें वॉल्यूम में भी हमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, पिछले दिनों का जो वॉल्यूम है पैरेलल चल रहा है, कोई ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिले हैं। साथ ही बात करें गाइज यहाँ पे इंडिकेटर व्यू की नज़र से देखें अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, 50, 100 जो है वो एक अच्छी तेज़ी हमें दिखा रहे हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे RSI भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइज कल के लिए अपनी वॉच लिस्ट में वोल्टाज एंड विप्रो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। कल के इंट्राडे सेटअप में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो डेफिनेटली आप जो है वो टेलीग्राम पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए गाइज देख लेंगे इसके भी सेटअप को और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से गैप में किस स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ कल हम विप्रो में काम कर पाएंगे। तो जैसा गाइस आप देख पा रहे हैं विप्रो आपके सामने लगा हुआ है, जिसका करंट मार्केट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 507। यहाँ पे हमने टारगेट डिसाइड किया है 8 पॉइंट का। सिमिलरली स्टॉप लॉस जो है वो 8 पॉइंट का रखा है। 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे भी लेके चलना है। इंट्राडे के लिए चर्चा हो रही है, अगर बात करें हम डिलीवरी भी आप इसको लेके जा सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट 6 मंथ से ज्यादा है तो आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। अवॉइड इफ की बात करें गाइस तो सेम वही हो गया, अगर टारगेट के ऊपर खुलता है स्टॉक 515 से ऊपर तो हमें वेट करने की जरूरत है टिल टाइम फ्रेम ऑफ 10:30, उसके बाद जो है नए मौके मिलेंगे नए ट्रेंड के साथ। तो जरूर हम कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में आपको सजेस्ट किया जाए टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में। तो गाइस इस नोट को भी रीड कर ले और यहाँ पे क्लियर होते हैं दोनों स्टॉक के एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करेंगे कल आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड से गुजर पाएंगे। कोई भी डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस लास्ट टाइम लाइक एम दिया था हमने 200 का, जो क्रॉस हुआ 155। वेट कर रहे हैं हम भी कि कब हमारे 200 लाइक्स जो है वो क्रॉस हो। व्यूज़ तो आ रहे हैं गाइस, 2500 3000 व्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें से 100 लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, 200 लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं। गाइस देखेंगे इस वीडियो में कितने लाइक आते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो एम को हम बढ़ाते रहेंगे। चलिए गाइस मिलते हैं एक साथ किसी और, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।